देखिए ये किसान भाई, इसका निम्फ होता है जैसा आपको दिख पा रहा है। अब इसमें इस गन्ने की फसल में इसका प्रकोप होना शुरू हो चुका है। और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप पाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसान को ज्ञान में। किसान भाइयों, आज मैं आप पूछूं अपने गन्ने की इस फसल में, गन्ने का जो खेत आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, तो इसमें आज आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे पायरिला कीट जो होता है वो कैसा दिखता है, उसके निम्फ कैसे दिखते हैं, इन सभी के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो किसान भाइयों जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अंत तक इस वीडियो को देखें और पहचान करें कि पायरिला कीट कैसा होता है, इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। किसान भाइयों दिखा, निम्फ होते हैं वो किसान भाइयों कुछ इस तरीके के होते हैं। ये देखिए, ये किसान भाइयों इसका निम्फ होता है जैसा आपको दिख पा रहा है। अब इसमें इस गन्ने की फसल में इसका प्रकोप होना शुरू हो चुका है। और किसान भाइयों, यह जो कीट है, ये जो निम्फ है, ये और इसका जो कीट होता है, जो प्रोड होता है, वो दोनों ही पत्तियों का रस चूसते हैं। देखिए, बहुत जगह मैं दिखा दूंगा आपको, हर पत्तियों पर इनका प्रकोप होना शुरू हो गया। अगर ऐसी ही कीट आपकी फसल में है तो समझिए पायरिला का कीट आपकी फसल में आ चुका है। अब किसान भाइयों, मैं आपको दिखाता हूँ उसके प्रोड कैसे दिखते हैं। तो किसान भाइयों देखिए, पत्ती पे चल रहे हैं, ये पायरिले के प्रोड हैं, जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो निम्फ थे और ये प्रोड बन चुके हैं। इनकी पहचान क्या है, इनका जो आगे का भाग है वो नुकीला होता है और इनका रंग भूसे के जैसे कलर का होता है। तो जो किसान भाई के खेत में ये कीट आए तो समझ लेना ये पायरिला कीट है और आपकी फसल में इसका प्रकोप होना शुरू हो गया है। ये देखिए, मैं ऊपर तक दिखाऊंगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखिए, तो ये हर जगह इनका प्रकोप हो चुका है। तो किसान भाइयों, आप गन्ने की अगर फसल लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कीट आपकी फसल में लगता है और उसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। ये देखिए किसान भाई, इसके सिम्टम्स, जैसे ये पत्ती का रस इसने चूस कर कुछ इस तरीके से पत्ती को कर दिया है। ये देखिए, पीछे से भी ऐसा हो चुका है। तो किसान भाई, उसकी रोकथाम कैसे करें, तो सभी किसानों भाइयों को मैं बता देता हूँ। इसके लिए आप मेलिथियन 400 मिलीलीटर का 400-600 लीटर पानी में घोलकर इसका प्रति एकड़ की तरह से छिड़काव करें। किसान भाइयों, बड़ी आसानी से आप इसकी रोकथाम कर सकते हैं और इस कीट से छुटकारा पा सकते हैं। किसान भाइयों, ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाएं आप सबसे पहले।